बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, इन एक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हाँ जी व्यूअर, ये देखें आज मैं आपसे जो है वो जो सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, मैं सुबह सुबह का टाइम था तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो मैंने सोचा व्लॉग बनाया जाए। तो ये देखें, ये मेरा छोटा बेटा है, अभी 2 साल का है। और ये देखें क्या इसके कारनामे चेक करें, वो पंखी जो है उसके साथ वो खेल रहा है। मुंह में डाल, मुंह में नहीं डालो बेटा। और ये देखें बच्चे जो है वो स्कूल चले गए, देखें किस तरह गंद फैला के गए हैं। ये देखें सारा कमरा जो है वो बिखरा पड़ा है। वो देखें ड्रेसिंग पे जो है वो अपनी क्रीम, जो सुरमा, कंघे वगैरह, जो अपनी गुड़िया है, सारी चीजें में फैलाई हुई हैं। वो कंबल, ये भी पड़े हुए हैं कपड़े। तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाया जाए तो आपसे शेयर किया जाए। बर्तन जो है मेरे अभी वॉश करने वाले हैं, अभी मैंने नाश्ते के बर्तन जो है वो इकट्ठे करके रखे हैं। और ये देखें सारा किचन जो है वो बिखरा पड़ा है। ये देखें सारा किचन जो है वो बिखरा पड़ा है। अभी चूल्हे की भी सफाई करनी है। और ये देखें अभी नीचे भी आपको गंद नजर आ रहा होगा, तो मैंने सोचा ये सारी चीजें अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लूं। ये देखें सारा भी झाड़ू लगाने वाला, चूल्हे की भी सफाई करनी है। कल बड़े अच्छे तरीके से मैंने जो है वो सफाई की थी चूल्हे की। और ये देखें व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ, बच्चे थोड़ी देर तक आने वाले हैं क्योंकि बच्चों के हो रहे हैं पेपर्स, और उनको पेपर्स के बाद छुट्टी हो जाती है स्कूल से। तो सुबह नाश्ते में मैंने आपसे ये मूली के पराठे की वीडियो शेयर करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। तो अभी ये मैं दोपहर में बना रही हूँ। तो ये देखें, ये देखिए मूलियां जो है वो मैंने मूली कश कर ली है अच्छे तरीके से, और इसके अंदर बाकी के मसाले अभी ऐड करने हैं, वो आपसे शेयर करूंगी। तो ये बाकी की रूटीन आपसे शेयर करनी है। देखिए अभी सारी साफ सफाई करने वाली है। और ये देखिए मेरा काका क्या कर रहा है, नीचे उतर रहा है। तो अभी अब थोड़ी देर तक आपसे मिलते हैं। अभी आपने हमारे साथ वीडियो में बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना। और ये देखे बाहर, बाहर कभी भी आपको चेक करवा देती हूँ। रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो अभी मौसम बहुत प्यारा बन गया, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी थी। और ये देखे माशाल्लाह से हमारा जो कमाद है, हमारे गन्ने जो है वो देखे इतने जबरदस्त हो गए हैं, देखे इतने मोटे मोटे निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनका भी महीने डेढ़ तक जो इनका रस निकालेंगे। तो इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिए करें। आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे व्यूअर्स, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे व्लॉग जो हैं आपको डेली तो मिलते हैं, लेकिन ये मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, अपने तमाम प्यारे व्यूवर्स से माजरत चाहती हूँ, क्योंकि जो है व्लॉग आजकल मैं खुद ही बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड जाते हैं सुबह सुबह जॉब पे, अगर वो जॉब पे ना जाएं तो हमारा गुजारा जो है वो नहीं होता, इसलिए वो जॉब पे जाते हैं, इसलिए अब मैं व्लॉग बनाती हूँ। और ये देखें वो जो मच्छरदानी है वो लेके बाहर आ रहा है, अभी मैंने इकट्ठी करके रखी है, वो लेके बाहर आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर तक आपसे मिलते हैं, तो आपने हमारे साथ बने रहना है। हाँ जी व्यूअर, ये देखें मटेरियल जो है मैंने मूलियों का रख लिया है, मूली कश कर ली है अच्छे से, इनका पानी जो है वो निचोड़ लिया। तो ये देखें साथ में प्याज जो है वो मैंने छील के रखा है, साथ में हरी मिर्चें रखी हैं। तो अभी इनको मैं वो करूँगी, उनके अंदर चॉप करूँगी, तो फिर इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखें प्याज और हरी मिर्चें मैंने चॉप करके अंदर ऐड कर दी हैं, तो बाकी के मसाले अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चॉप करके डालनी है आपने, कटिंग करके नहीं डालनी, फिर वो मोटा मोटा रहता है तो फिर वो पराठा जो है वो हमारा बन नहीं पाता, तो इसलिए आपने चॉप करके डालनी। इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ मैं, तो बाकी के मसाले भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए इसके अंदर मैं सुरख मिर्च जो है ऐड कर रही हूँ, और ये बहुत तेज़ है, बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करनी है, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी इसके अंदर ऐड की है, इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसके अंदर मैं थोड़ा सा अनारदाना ऐड कर रही हूँ, इसके साथ बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बड़े यमी बनते हैं।
तो ये देखिए हरा धनिया मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चम्मच के साथ आपने मिक्स नहीं करना, हाथ के साथ मिक्स करना है। हाथ मैंने अच्छे अच्छे से वॉश कर लिए हैं, अब इसके अंदर अच्छे से जो है मटेरियल की मिक्सिंग करेंगे। और इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें। अच्छे से इसको मिक्सिंग करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करनी है मिक्सिंग, ताकि सारी नमक मिर्च जो है सारे मटेरियल के अंदर मिक्स हो जाए। नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने और ऐड कर लिया। आटा मैंने गूंद के रख लिया, ये थोड़ा सा उसके अंदर मैं ये जवैन ऐड कर रही हूँ। जवैन के साथ जो है वो हाजमा होती है, और वैसे भी इसके साथ गैस वगैरह नहीं होती और जायका भी बड़ा अच्छा आता है। बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करनी होगी, गर्म होती है। अच्छे से मिक्सिंग करके देख कितना खूबसूरत मटेरियल जो है मेरा रेडी हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी आपसे थोड़ी देर तक मिलते हैं, आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। देखिए माशाल्लाह से खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, सारे सारे मसाले मिक्स किए और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि आपको क्या बताऊं। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बच्चे जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए आटा जो है अपना बिल्कुल नरम सा हो गया है, 10-10 मिनट पहले मैं गूंद के रख लेती हूँ। तो अभी इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, तो फिर मैं रोटियां बनाऊंगी इसकी। हाँ जी व्यूअर, ये देखें सारी सफाई जो है वो मैंने कर ली अच्छे तरीके से, ये देखें माशाल्लाह से अच्छे तरीके से जो है अंदर से की सफाई कर ली है, क्योंकि बच्चे आए थे स्कूल से तो उन्होंने इतना उधम मचाया हुआ था, सारी चीज़ें वगैरह उनकी समेट के, यूनिफॉर्म वगैरह समेट के। तो अभी मेरे बर्तन जो हैं ये देखें बाहर धोने वाले हैं, क्योंकि हमारा पानी इधर लगा हुआ है सरकारी, जैसे ही हमारा पानी आएगा तो मैं बर्तन वॉश करूँगी। सफाई जो है वो मैंने पहले कर ली है, तो देखिए बाकी अच्छे तरीके से सारे सेन की सफाई कर ली है। ये देखिए बेटा मेरा जो है वो सो गया है, उसको मैंने कपड़े चेंज करके सुला दिया है, बहुत तंग कर रहा था मुझे, उसको फीडर वगैरह दिया मैंने तो वो सो गया है। तो बाकी देखिए सारे बेड की मैंने अच्छे से झाड़ के बेडशीट बिछाई है, तो सारे कमरे की भी सफाई की है। तो इसके बाद मैं बर्तन पानी आएगा जैसे ही बर्तन वॉश कर लूँगी। ये देखें इसके ऊपर मैंने ड्रेसिंग के ऊपर भी अच्छे से कपड़ा लगाया है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है जब झाड़ू लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो बच्चों वाला घर है तो बच्चे जो हैं जितना मर्ज़ी बच्चों को समझा लें बच्चे बहुत गंद डालते हैं, फिर इसलिए मैं दो टाइम सफाई करती हूँ। हाँ जी ट्यूबर, ये देखें माशाल्लाह से मेरा मूली का पराठा जो है वो रेडी हो गया है माशाल्लाह से। ये देखें मैं आपको मेरा कैमरा आपको चेक करवा सकता है, ये देखें किस कदर खूबसूरत है हमारा मटेरियल जो है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया, ये आपको मैं थोड़ा सा खोल के दिखा रही हूँ। ये देखें इसके किनारे कितने सफाई से, कितनी खूबसूरती से, कितनी गुलाई से जो है हमारा पराठा जो रेडी हुआ था, तो ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। साथ मैंने दही का रायता सा बनाया, हरी मिर्ची उसके अंदर ऐड करके मैं रायता बनाया, दही के साथ हम इसको खाएंगे। तो ठीक है, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, इसलिए आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा।